पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सही कहा तूने आदि, कावे के रूम में जो पीऊं था वो विकी था, पर तुझे कैसे पता चला? एक ही जगह खड़े होके बार बार एक ही चीज को साफ कर रहा था, मतलब पक्का खुद को छुपा रहा था वो। अब तो प्रूफ हो गया, विकी स्पेशल फेवर्स ले रहा है, वरना उसे सचिवालय माने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। तू डिप्टी मिनिस्टर है, तू आ सकता है, पर वो क्या है? कंप्लीट करूं उसकी? नहीं। क्यों? अगर तू उसकी कंप्लेन करेगा तो काव्या की नौकरी जाएगी। कमाल है तेरा प्यार यार, जितनी नफरत उतनी ही मोहब्बत। कोई मोहब्बत नहीं है संजीव। अरे नहीं, तुझे इतनी बड़ी बात पता चली है और तू इसका फायदा नहीं उठाएगा? तुझे किसने कह दिया हम इस बात का फायदा नहीं उठाएंगे? होश में तो है गिरी जी? आप जो कुछ बोल रहे हैं आपकी खुद की बातें आपके कानों तक पहुंच रही है कि नहीं? हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। और देखिए सीमा जी, हम अब ये सच जो है ना अपने बेटे से ज्यादा दिन तक छिपा नहीं सकते। लगता है आपकी याददाश्त दुरुस्त करने का समय आ गया है गिरी जी। ये फाइल देख रहे हैं? 3 साल पहले जो दवाई घोटाला हुआ था उसकी रिपोर्ट है इसमें। देखिए, 803 औरतों का मिसकैरेज हुआ इन दवाइयों से। अब जरा सोचिए, ये फाइल अगर काव्या के हाथ लग गई तो उसे अगर पता चल गया कि उसके साथ साथ 803 औरतों ने अपना बच्चा खोया है तब क्या होगा? मैं तो कहती हूं ये जो गिल्ट का बलगम आपके गले में अटका है ना, उसे निगल जाइए। गिरी जी 3 सालों से मुस्कुरा रहे हैं, अब भी मुस्कुराइए। और ये 803 नंबर ठीक से याद कर लीजिए। 803 नंबर बार बार कुछ याद दिला रहा? 803 से याद आया, 8 मार्च को विमेंस डे है, महिला दिवस, और आपके सर 803 औरतों की गोद सूनी करने की जिम्मेदारी है। हमें लगा कि जिस बच्चे की मौत का जिम्मेदार हमें मानकर 3 साल से अपने मन में नफरत पाल रहा है, आज उसी बच्चे की तस्वीर जमीन पे गिरने से कम से कम। कमाल ही है, एक जमीन पे पड़ी हुई तस्वीर नहीं उठाता है और दूसरा कीचड़ में कूद जाता है उसे बचाने के लिए। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कितना बड़ा मेडल जीतने वाला काम कर लिया उसने। कीचड़ में पड़ी ना तस्वीर उठाई है उसने, कोई सरहद पे जाके गोलियां नहीं चला दी देश के लिए। पर उतना बड़ा काम उसे थोड़ी सौंपेंगे, उसके लिए तुम हो ना। और तुम्हें तो गोलियां चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तिरछी निगाहों से देखती रहना, एक एक करके मरते जाएंगे सब लोग। हो गया, उड़ा लिया हमारा मजाक। हमें तो इस घर में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। और ये बात सब कुछ कह देने के बाद समझ में आती है तुम्हें, नहीं?
पापा, क्यों तंग करते रहते हैं आप उन्हें? तेरे चेहरे पे हंसी लाने के लिए। सुन काव्या, ये तेरी मम्मी जो आदि के नाम का राग लाती रहती ना, उसका कैसेट बंद करना पड़ेगा, तभी तो लाइफ में मूव ऑन कर पाओगी तुम। अब हमें विक्की पसंद है। किसके लिए? हमारे लिए। अरे तो तुम्हारे लिए, और किसके लिए? हमारे लिए। तो अब आपको उसके टैक्सी ड्राइवर होने से एतराज नहीं है? और वो उसकी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने से भी कोई एतराज नहीं है? काम। और वो उसके पर्दों के डिजाइन वाले कपड़ों से भी कोई एतराज नहीं है? अब आपको आपकी आईएएस बेटी के लिए वो ठीक लग रहा है? था एतराज था, लेकिन जिस तरह का वो आदमी है, जितना हमने उसे समझाया है, किसी भी इंसान को उसकी जॉब प्रोफाइल से नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता। इंसान में और भी गुण होते हैं, और भी कुछ होता है। वो इंसान बहुत अच्छा है काव्या। तू इधर इधर इधर। हम लेक्चर नहीं देंगे, पर बस एक बात कहेंगे, प्यार करके तुमने देख लिया, अब अपने पापा की पारखी नजरों पे भरोसा करके देखो। अरे विक्की बहुत अच्छा जीवन साथी साबित होगा, और खुद को मौका दोगी तो तुम भी उसे प्यार करने लगोगी। पापा को अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, सोच लो फिर डिसीजन लेना। काव्या से प्यार करते हो ना? जिंदगी का मजाक आपने बना के रखा हुआ है। या तो मान लो कि प्यार है और लड़ जाओ उसके लिए, या फिर निकाल के फेंक दो दिलो दिमाग से, कभी सोचना भी नहीं उसके बारे में। लेकिन अगर इस तरह घड़ी की सुई की तरह लटक के रहोगे ना, कभी इधर कभी उधर, तो दिन में 2 बार 12 आप ही के बजेंगे। तुमने सुना पापा ने क्या कहा? हाँ, और हम अग्री भी करते हैं। दीदी, हमें विकी की नौकरी, उसका ओहदा, उसकी सैलरी, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि वो आपकी केयर करता है, आपसे प्यार करता है। तो फोन दो अपना। हाँ, वो हमने स्पीच लिखी है ना विक्की के लिए, अपने फोन से भेज नहीं सकते, तुम्हारे फोन में रिकॉर्ड कर देता है। याद से भेज देना उसे प्लीज। औरतें किसी भी समाज का आधार होती हैं। औरतों की सुरक्षा को अगर नजरअंदाज किया जाए तो पूरा समाज असुरक्षित हो जाता है। हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, पर एक औरत कभी भी अपने आप को उतना सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती जितना एक आदमी कर लेता है। अगर वो स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती है तो वो अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकती। उनकी सुरक्षा से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जुड़ी हुई है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।